हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि आप लोग होली में बहुत ही एंजॉय करेंगे। तो ये होलिका दहन के पहले का वीडियो ब्लॉग्स है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना सारा कपड़ा लेकर बैठी हूँ। और होलिका दहन के तीन दिन पहले से कपड़े धोने में लगी हुई हूँ, और बहुत सारा ज़्यादा कपड़ा था। और आप लोग जानते ही हैं, गांव से आने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो अभी भी थोड़ा तबीयत ठीक पूरा अच्छा से नहीं हुआ है। लेकिन होली में होली का बहुत साफ सफाई चल रहा है फ्रेंड्स, और देखिए कपड़ा आप लोग तो देख चुके हैं कि कितना दिख रही है। एक दिन पहले धो चुकी हूँ, उसका मैं वीडियो नहीं बनाई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, और उसी हालत में मैं कपड़ा धोई, तो वीडियो बनाने की हालत में नहीं थी मैं, तो इसलिए नहीं बना पाई। तो वीडियो बने रहिएगा, फिर मैं कपड़ा खींचने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी टिया कार्टून देखने के लिए मोबाइल मांग रही है, तो थोड़ा सा उसको दे देती हूँ खेलने के लिए, फिर उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। और उसके बाद में ये होलिका दहन के दिन का है फ्रेंड्स, जिस दिन होलिका दहन था तो उस दिन देखिए मैं सब कुछ डाल दी थी फूलने के लिए। उड़द दाल डाली थी थोड़ा सा, और नरवा चावल, मैं धुसका बनाऊंगी, झारखंड का फेमस धुसका आप लोग तो जानते ही हैं। तो सभी चीज़ को मैं पीस लेती हूँ मिक्सर में, और शाम का समय है तो सुबह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया की थी फ्रेंड्स, क्योंकि होलिका दहन के एक दिन पहले ही मैं बहुत सारा कपड़ा धोई थी, तो थका हुआ लग रहा था, तो इस वजह से मैं उसके दिन सुबह में वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उड़द दाल और धुसका बनाने के लिए मैं चावल पीस ली हूँ, और यहाँ पे जो है मैं रखी थी छाली, मलाई रखती हूँ तो उसमें से घी निकालती हूँ, तो देखिए मैं उसको मिक्सर में ही चला ले रही हूँ। तो मिक्सर में चलाने के बाद थोड़ा सा, अगर तसला में मैं थोड़ा सा चला लूँगी तो निकल जाएगा, और मैं मिक्सी में बार बार निकालना चाहती हूँ घी, लेकिन उतना अच्छा से नहीं निकल पाता, और गर्मी का भी थोड़ा सा मौसम आ गया है, लेकिन थोड़ा सा उतना भी गर्मी नहीं है, थोड़ा ठंडा लगता है। और ये देखिए हो गया, शाम हो गया था, मैं पीस कर रख दी थी 5 बजे, और ये 6 बजे का लगभग है, तो लाइट आते जाते रहता है, और अभी हम लोगों को लाइट बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइट का, तो इस वजह से मैं पहले ही पीस ली थी, लेकिन आज लाइट उतना नहीं कटा है तो इस वजह से। और यहाँ देखिए मैं बड़ा बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैं बना लूँगी, और थोड़ा सा चना दाल का कचरी मैं बनाऊँगी। सभी चीज़ मैं इस बार थोड़ा थोड़ा ही बनाई हूँ, जितना हम लोग खाएंगे उतना ही, क्योंकि हर बार मैं ज़्यादा बना देती थी तो खाते थे और सब बहुत फेंका भी जाता था, तो इसलिए सामान को वेस्ट क्यों करना, वही सामान को मैं दूसरे दिन भी बना कर खा सकती हूँ, इसलिए जितना खाना था उतना ही मैंने बनाया है, और ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ इस बार होलिका दहन में। और होलिका दहन में आप समझ सकते हैं होलिका दहन के दिन कितने सारे पकवान बनते हैं, सबके घर में अलग अलग तरह के नियम हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन सबका एक नियम जरूर रहेगा। और मेरा कढ़ी वगैरह सब बन गया है फ्रेंड्स, कढ़ी भी बना ली हूँ मैं, चावल भी, यहाँ पे सिर्फ मैं बरी बना रही हूँ, तो बरी बनाते हुए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं धुसका बनाने जा रही हूँ, और धुसका का वीडियो जो है सो मैं आप लोगों को भी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाली हूँ, आप लोगों का धुसका का रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बताई हूँ। और होली में तो आप समझ ही सकते हैं कि सब हड़बड़ का काम रहता है, थोड़ा सा आराम से उतना टाइम नहीं मिल पाता है, कितना भी टाइम निकालो लेकिन टाइम नहीं हो पाता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, समय कम। तो ये देखिए हस्बैंड को और सासू माँ को मैं देने जा रही हूँ, आलू का खाली झोर मैं बनाई थी सब्जी ग्रेवी वाला, और उसके बाद में धनिया पत्ता का चटनी, और उसके बाद में मेरा सब कुछ हो गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैं कढ़ी में बरी में नहीं डाली थी, तो वो मैं डाल दे रही हूँ, और ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं खाऊंगी, सब कुछ बन गया था, तो ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या बनाए थे होलिका दहन में, और ये होली के दिन का है फ्रेंड्स, तो होली के दिन के पहले के, क्योंकि 7 तारीख का होली नहीं था, 8 तारीख को हम लोग होली मनाए हैं, तो आतर मानतर था 7 तारीख को, तो उस दिन मैं होलिका दहन के दूसरे दिन धोआता है हम लोग के यहाँ क्या बहुत कोई के यहाँ धोआता होगा, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैं किचन को पूरा अच्छा तरह से रगड़ कर साफ कर ले रही हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि माता पिन रखी है
दुपट्टा तो मैं रख कर ही अभी मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन को मैं धो दी थी और उसके बाद में रूम को और हॉल को मैं पोछा लगा दूंगी डंटा वाला पोछा मेरा टूट गया है, लेकिन अभी मैं किसी तरह उसका काम मैं चला ले रही हूँ। और अभी मेरे रूम में मच्छरदानी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में, क्योंकि अभी टिया और मेरे हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं, अभी मेरे हस्बैंड मोबाइल चला रहे हैं। तो और उसके बाद में यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था फ्रेंड्स, पोछा वगैरह सब कुछ मैं लगा ली थी। और उसके बाद में यहाँ 9 बज रहा है तो मैं सब कुछ कर ली थी, ब्रश वगैरह सब कुछ। उसके बाद में यहाँ पे आज मैं कटहल का सब्जी बनाऊंगी, तो वही सीजन का पहला बार मैं बना रही हूँ कटहल का सब्जी। तो आप लोग भी कटहल का सब्जी का रेसिपी एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके से आप एक बार बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। और जो एक बार खाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा कि मैं इसी तरह से पहले ये क्यों नहीं पता था। तो यहाँ पर देखिए मैं कुकर में डाल दी हूँ, एक सीटी लगा दूँगी और उसमें 4-5 आलू मैं डाल दी थी। और यहाँ पर जो डेली बेसिक में जो मसाले होते हैं वही मैं मसाले डाली हूँ, काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्च, लहसुन, ये सब डालकर। और एक टमाटर मैं पीस कर डाल दे रही हूँ, क्योंकि छोटा वाला जार नहीं है, बड़ा वाला जार है तो उसमें मसाला कम रहता है तो नहीं पीसता है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं एक टमाटर डाल दी थी तो थोड़ा सा पीस गया था अच्छा से। और उसके बाद में मेरा जो है कटहल जो है सो एक सीटी में लगा दी थी। और प्याज मेरा यहाँ भुनकर तैयार हो गया था तो मैं 2-3 बार मैं कटहल को भी भून ली और उसके बाद में कटहल मेरा भुनकर तैयार हो गया था तो मैं मसाला जो पीसी थी वो वाला डाल दी। और 2 टमाटर और मैं इसमें डाली हूँ। और उसके बाद में हल्दी पाउडर भी मसाला में ही मैं डाल दी थी और अभी मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी। और ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं रखूँगी। और आलू भी देखिए मैं यहाँ पे कटोरी में छील कर रख ली हूँ, क्योंकि छील कर रख ली हूँ पहले ही तो थोड़ा सा आराम रहता है। और उसके बाद में जब मेरा मसाला भुनकर तैयार हो जाएगा तो मैं आलू का जो है थोड़ा सा फोड़ लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी उसको, और उसके बाद में इसमें मैं डाल दूँगी। तो मेरा कटहल का सब्जी देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। फर्स्ट सीजन का फर्स्ट बार मैं कटहल बनाई थी, तो आप लोग बताइएगा इस तरह बनाकर कि कैसा बनता है। मैं तो बनाई थी, बहुत ही अच्छा लगा खाने में, आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद में मैं आलू डालकर इसमें पानी डाल दे रही हूँ ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा, और इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखिएगा तो पानी सोख लेता है, तो मैं ज़्यादा नहीं रखी थी। फिर उसके बाद खाने के समय में पानी थोड़ा सा सोख लिया था, जो ग्रेवी था सो सूख गया था, अभी देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद ग्रेवी सोख गया था। तभी हस्बैंड को जाना है ड्यूटी तो इसलिए मैं फटाफट उनको मैं दे दूँगी चावल और कटहल का सब्जी। और धनिया पत्ता मेरे पास था थोड़ा सा फ्रेंड, तो मैं धनिया पत्ता को मैं डाल दी गार्निश के लिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता का फ्लेवर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। और आप लोगों को बैकग्राउंड से टिया का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि टिया मेरे पास में ही बैठी हुई है तो थोड़ा सा आवाज़ उसका निकल जाता है, बोलती हूँ कि शांत रहने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं हस्बैंड के लिए निकाल ली कटहल का सब्जी और चावल, तो उनको मैं दे दूँगी। और अभी उनका भी बहुत तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, तो वो भी अभी खाना कम खा रहे हैं, एक बार खाते हैं तो 2 टाइम ही खा रहे हैं सुबह और शाम, और उसके बाद में लंच भी देती हूँ तो उसी तरह वापस लेकर आ जाते हैं, जिस दिन मन रहता है उसी दिन खाते हैं। और उसके बाद में चले गए तो मेरे हस्बैंड, तो मैं यहाँ पे भी किचन भी क्लीनिंग कर ली। और उसके बाद में होली घर तो मैं पोंछ ली थी पहले ही और किचन को भी धो ली थी, उसके बाद में यहाँ पे मैं सीढ़ियों को धोई और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी लगता है वहाँ पे मैं धो ले रही हूँ। तो सीढ़ियों को धोते हुए मैं वीडियो शूट नहीं की थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है तो मैं भी कैमरा के सामने में आप काम करिएगा तो बहुत टाइम लग जाता है, और ऑफ़ कैमरा में करिएगा तो जल्दी फटाफट हो जाता है काम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही धोते हुए दिखाई हूँ आपको। और टिया का पुचकारी मिल गया था तो देखिए यहाँ पे पुचकारी से खेल रही है, सबको पानी पिला रही है, और इसका भी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बुखार हो जा रहा है। तो अभी सीजन चला हुआ है तो सबका ही है, और गांव से आए हैं तब से ठीक नहीं रह रहे हैं, हम भी मुझे भी तबीयत ख़राब हो जा रहा है, और टिया का भी, और टिया की दादी का भी, और हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है। अभी मिला जुला के समझिए तो मेरे घर में एक का ठीक होता है तो एक पर जाते हैं, एक का ठीक होता है तो एक पर जाते हैं। तो यहाँ गाड़ी के पास मैं पहले होलिका दहन दिन ही मैं यहाँ पे झाड़ ली थी और उसके दूसरे दिन मैं यहाँ पे धो दी, क्योंकि होलिका दहन के दूसरे दिन हम लोगों को धोना चाहिए और सभी कोई धोते भी हैं, क्योंकि नियम भी है और आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि होलिका दहन है तो इसलिए धोना चाहिए। और ये देखिए धनिया पत्ता का चटनी और कड़ी भात, बासी कड़ी भात है। और उसके बाद में यहाँ पे पुआ नहीं बनाई थी मैं, दूस का बनाई थी, पुआ मैं बनाऊँगी
होली के दिन, तो ये सब लेकर मैं बैठ जाऊंगी खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइएगा फ्रेंड्स। टेस्टी बहुत ही खाना था और अभी तो बासी ही चलेगा ही एक दिन।